महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक नाना पटोले ने प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया। इस बयान के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को नागपुर के कोराड़ी पुलिस स्टेशन में नाना पटोले के खिलाफ पीएम मोदी को गाली देने के मामले में शिकायत दर्ज कराई है। वही उनका कहना था जब तक उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती तब तक वे पुलिस स्टेशन से नहीं उठेंगे। अपने बयानों के लिए चर्चित रहने वाले महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा है, मैं मोदी को मार सकता हूँ, पीट सकता हूँ और उसे गाली भी दे सकता हूँ। नाना पटोले के इस बयान से बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को नागपुर के कोराड़ी पुलिस स्टेशन में नाना पटोले के खिलाफ पीएम मोदी को गाली देने के मामले में शिकायत दर्ज कराई है। वही उनका कहना था कि जब तक उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती तब तक वो पुलिस स्टेशन से नहीं उठेंगे। कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले, इन्होंने माननीय पंतप्रधान मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक निंदाजनक स्टेटमेंट दिया है। नाना पटोले के कहने का मतलब ऐसा है कि मोदी जी के खिलाफ इस देश में कोई षड्यंत्र चल रहा होगा उनके जान को धोखा पहुंचाने का, उनको सपोर्ट करने जैसा है। मोदी जी के जान को धोखा पहुंचे ऐसा संगठन निर्माण करने वाला ये स्टेटमेंट है और जमाव तैयार करके वहां पर मोदी जी के खिलाफ जानबूझ के षड्यंत्रपूर्वक बोलना, ये उन्होंने जानबूझ के किया है। कल उन्होंने कहा कि हम गांव गुंडा कोई मोदी है उनके बारे में कहा है, तो नाना पटोले ने 3 घंटे के अंदर कौन सा गांव गुंडा है, कौन सा वो व्यक्ति है उनके बारे में बोला है, उसका सामने लाना चाहिए, पुलिस स्टेशन में उसको लाना चाहिए, जनता के सामने लाना चाहिए, मीडिया के सामने लाना चाहिए। वही इस दौरान विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने आरोप लगाया कि नाना पटोले ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, कोरोना नियमों का भी उल्लंघन उन्होंने किया है, साथ ही पटोले के खिलाफ 7 अपराध दर्ज किए जाए, ऐसे उन्होंने मांग की है। हालांकि कोराड़ी पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन कर रहे बावनकुले को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मोदी ना शिवाजी होऊ शकतो असे भड़काऊ वक्तव्य केलाय। आमचा एफआयआर असा आहे की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवाला धोका उत्पन्न करणे, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवाला धोका उत्पन्न करणारे जे षड्यंत्र करत असतील त्यांना पाठबळ देणे, आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करणे, जमावबंदी असताना जमाव तयार करणे, समाजामध्ये तेढ निर्माण करणे, कोरोना नियमाचे पालन न करणे, देशात दंगे होतील असं कृत्य करणे आणि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांना जीवे मारण्याचे षड्यंत्र करण्याकरता संघटन तयार करणे, आम्ही 7 या ठिकाणी गुन्हे नाना पटोलेंनी केले आहेत। जोपर्यंत पोलीस स्टेशन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करत नाही, आम्हाला एफआयआर मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये जाणार नाही। पुलिस द्वारा किया गया यह कृत्य लोकतंत्र की हत्या करने वाला है। पुलिस राज्य में सरकार के दबाव में कार्य कर रही है, ऐसा आरोप लगाते हुए विधायक बावनकुले ने कहा कि हम अब न्याय पाने के लिए कोर्ट में जाएंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।